हरियाणा कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद को तवज्जो दी जाती है। प्रदेश में बीजेपी सभी 10 सीटें जीतेगी, जिसको लेकर जनता में जोश है। प्रदेश में बीजेपी की लहर को देखते हुए कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है का वातावरण है, और प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हुए एक ईमानदार सरकार देने का काम किया है, उसको हरियाणा की सरकार अपना समर्थन दे रही है। निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। विपक्ष के लोग उनको आज उम्मीदवार ढूंढने को नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के लोगों को उनके परिवारों के बाहर कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक चर्चाएं चल रही है कि एक एक परिवार को दो दो टिकटें देने की बात चल रही है। लोग चुनाव छोड़ करके भागने के लिए लालायित हैं। केवल इनके परिवार के बच्चों का रोजगार बन जाए, बाकी हिंदुस्तान गरीब और बेरोजगार रह जाए, इस नीति के तहत ये आज पाप के गठबंधन तक करने को तैयार है। लेकिन हरियाणा की जनता के सामने इनकी पोल खुल गई है। इनकी राजनीति की कोई नीति नहीं, कोई इनके सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं। तो आज हरियाणा की जनता अपना वोट वह देश को मजबूत करने के लिए, अपने बेटों को मजबूत करने के लिए डालेगी, न कि किसी खानदान के बेटों को मजबूत करने के लिए डालेगी।